बीएचयू में हो गया उसका, उसके ना लिंक भी होंगे पता है। तो हमने क्वाड ऑफ कैंडिडेट 1 बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एच कामा के से जो हमने कोई टेंजेंट किसी पॉइंट एच कामा के से हमने इस एलिप्स पे डाला हुआ हो। ठीक है, इसमें एक्स वन या वाई वन या एक्स टू वाई टू तो आए नहीं, बिल्कुल नहीं आता है इसमें, ना एक्स वन आता है ना एक्स टू आता है ना कुछ भी आता है। ठीक है, ये दो कोई कोऑर्डिनेट इसके नहीं आते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, तो कभी भी अगर आपको क्वाड ऑफ कैंडिडेट पूछना है तो हम उसको ऐसे निकालेंगे, बनाएंगे कि उसे लिखेंगे जैसे कि एच कामा के से जो पियर ऑफ टेंजेंट डाला गया था हमने, तो जो पियर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन क्या आया था हमारा, टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन आया था ना पियर ऑफ टेंजेंट का, और ये पॉइंट एच कामा के अगर इससे इस पे होता मतलब किसी इलिप्स पे हुआ होता ये एच कामा के, तो टी इक्वल टू जो वैल्यू होती थी वो एच एक्स अपन ए स्क्वायर प्लस वाई के अपन बी स्क्वायर माइनस वन हो जाता था, है ना। तो यही इक्वेशन क्वाड ऑफ कैंडिडेट की आती है, हमने इसको ड्राइव भी किया था किसके केस में, पैराबोला के केस में किया था हमने, सर्किल के केस में किया था हमने, तो इलिप्स के केस में हम इसको ड्राइव नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो बहुत सिंपल है करना। ठीक है, सिंपल कैसे है करना, इसको सिंपल ऐसे करना कि उसके पास दो पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट है, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू है, तो एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू दोनों पे हम टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अगर क्यू पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे तो एक्स एक्स वन अपान ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपान बी स्क्वायर माइनस वन या इक्वल टू वन, जो भी लिखना चाहो लिख लो। ठीक है, क्यू पे टेंजेंट हो गया, इसी तरीके से आर पे टेंजेंट लिखेंगे तो एक्स एक्स टू अपान ए स्क्वायर प्लस वाई वाई टू अपान बी स्क्वायर इक्वल टू वन हो जाता है ये। ठीक है, वन एंड टू जो कि दो के दोनों इक्वेशन जो है वो पास करती है किससे, एच कामा के से पास करती हैं, है ना, तो एच कामा के से पास करती हैं, तो दोनों इक्वेशन क्या बन जाएंगी, ये आपका एच एक्स वन अपान ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये एच एक्स वन अपान ए स्क्वायर इसको सेटिस्फाई करेगा ना, ए वाई वन अपान बी स्क्वायर इक्वल टू वन बन जाएगा, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी यही बन जाएगा, एच एक्स टू अपान ए स्क्वायर प्लस के वाई टू अपान बी स्क्वायर इक्वल टू वन, है ना। अब देखो इसको देख करके क्या लग रहा है, बिल्कुल ये लग रहा है कि चाहे इस पॉइंट को लें चाहे इस पॉइंट को लें, ये दोनों पॉइंट इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि ये दोनों इसी से पास कर रहे हैं, यानी कि जो क्यू और आर है वो आपका एच एक्स प्लस वाई के अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन पे दोनों पॉइंट क्यू और आर लाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने एक्स वन एक्स टू चेंज करके देखा था तो सेम इक्वेशन टाइप बन रही थी ना हमने, है ना, एक्स वन एक्स टू, तो हमने कहा चाहे एक्स वन लिखो चाहे एक्स टू लिखो इक्वेशन सेम आएगी, तो एक्स वन लिखें एक्स टू लिखें या उसको एक्स लिख दें, है ना, जनरल टर्म में एक्स लिख, जनरल टर्म में इक्वेशन वही बनेगी। तो यानी कि इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसे क्यू एंड आर जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन पे आपके लाई कर रहे हो, और क्यू एंड आर पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई कर रहे हैं, और क्यू एंड आर पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये जो जनरल इक्वेशन होगी वो क्यू आर यानी क्वाड की इक्वेशन होगी। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वाड ऑफ कैंडिडेट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एच एक्स ए स्क्वायर वाई के बी स्क्वायर माइनस वन इज सेम एज टेंजेंट ऑन द एलिप्स इफ कांटेक्ट पॉइंट इज एच कॉमा के। ओके, ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ठीक है, ओके, अच्छा, इसी में इक्वेशन ऑफ क्वाड जॉइनिंग पॉइंट पी अल्फा एंड क्यू अल्फा अगर हो तो क्या लिखेंगे इसका हम, क्वाड इक्वेशन ऑफ क्वाड जॉइनिंग पॉइंट पी अल्फा, पी अल्फा मीन पॉइंट जिसका एसेंट्रिसिटी अल्फा हो, यानी कोऑर्डिनेट ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा हो। ठीक है, एंड क्यू बीटा,
ये इलिप्स है हमारे पास में, इक्वेशन ऑफ क्वाड जॉइनिंग पॉइंट पी अल्फा एंड क्यू बीटा। यस, ये हमें क्वाड की इक्वेशन बतानी है, और यहाँ पॉइंट ये हमारे पास पी है जिसका अल्फा है, ये क्यू है बीटा है, ठीक है। यस, तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा? तो इसके लिए सिंपल सा तरीका होता लिखने का, मैं उसको cos theta और उसके फॉर्म में लिखेंगे, तो cos alpha sin alpha। तो p अल्फा दिया हुआ, तो p अल्फा का मीनिंग क्या हो गया, a cos alpha ना। Yes, a cos alpha b sin alpha, यानी x1 y1 x2 y2 दे दिया गया हमको, एंड q beta दिया हुआ, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, cos beta a cos बीटा कॉमा b sin बीटा दे दिया गया है, ठीक है। तो हम कोई जनरल पॉइंट h के लिख करके इसको लिख सकते थे, लेकिन तो क्या करेंगे, इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, बहुत सिंपल तरीका लिखने के लिए है कोई पॉइंट x1 y1, तो कैसे लिखते हैं इसका इक्वेशन, देखो जो इसका इक्वेशन होता है वो बनता है, इक्वेशन जो होता है वो बन जाता है, x लिखते हैं, y लिखते हैं, 1 लिखते हैं यहाँ, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट नीचे लिख देते हैं, a cos अल्फा b sin अल्फा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, a cos बीटा b sin बीटा 1 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो जाता है। या इसको अगर लिखना चाहें हम टर्म में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो इक्वेशन लिखूंगा इसके, एक तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके बनेगा, मैं उसको लिखता हूँ सबसे पहले, ये बन जाएगा बी एक्स साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, हाँ डिटरमिनेंट सॉल्व करके, माइनस ए वाई कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा प्लस ए बी साइन बीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू जीरो। अब हमको फार्मूला पता है, फार्मूला क्या पता है कि साइन ए साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला पता है ना, हम यूज करते थे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, साइन सी साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला। तो उस फार्मूला को लगा करके अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जो इक्वेशन बन जाता है वो जो बन जाएगा, मैं उसको लिख दे रहा हूँ, ये वैल्यू बन जाती है एक्स बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, साइन सी साइन डी में क्या बन जाता था जब इसको करते थे हम, तो वो बन जाता था कॉस सी माइनस सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू टाइप का बन जाता था ना। सर हम लोग साइन ए माइनस साइन बी वो फॉर्मूला खोल रहे हैं। हाँ 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 ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी वाले में, ठीक है सर, मतलब जैसे नॉर्मल फॉर्मूला खोल रहे हैं। हाँ हाँ, उस टाइप को यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो इक्वेशन बन जाएगा वो ये हो जाएगा। तो सिर्फ इक्वेशन लिखते हैं हम, याद खाली ये वाला रखेंगे, ठीक है, y by b। सर इसको सॉल्व करेंगे तो दो तरीके की आएंगे, एक तो पहली वाली जो नॉर्मल है, और उसके बाद उसको और अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगी, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी by 2 equal to cos alpha minus beta by 2, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। अब देखो जो लास्ट वाला है, तो हम इस इक्वेशन को याद रखेंगे, और इस इक्वेशन को ये सबसे ज्यादा यूज करने करेंगे, और इसको हम अगर कहीं पे डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट करने के लिए करेंगे। यस, अच्छा कैसे ये यूजफुल है देखते हैं, जरा बताते हैं, देखो ध्यान से क्या है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, एक्स बाई ए है ना, एक्स बाई ए हमें पता था फार्मूला क्या लिखते थे, एक्स कॉस थीटा बाई ए लिखते थे ना, लिखते थे, याद है ना? Yes, अगर थीटा किसी पी पॉइंट पे टेंजेंट लिखना होता था तो ये लिखते थे हम। इसको भी ध्यान से देखें तो क्या बन गया, ये अल्फा प्लस बीटा बाई टू ले लिया गया है, क्या ले लिया गया, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, तो एक्स बाई ए कॉस वही अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू वहां पे वन होता था, यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू हो जाएगा। इस टर्म को याद रखना, बाकी कोरिलेशन कर लेंगे आप तो इजीली हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे उधर एक्स बाई कॉस थीटा होता था, थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा बाई टू आ गया। बस बस बस,
ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब इसी में एक पॉइंट होता है, पॉइंट ये होता है कि अब ये पॉइंट दिए हुए हैं हमारे पास में, तो पीछे वाला जो इक्वेशन बनाया था हमने ये ना, ये तो यहाँ पी एच का हम ले लिया थे, यहाँ पे क्यू आर लिया हुआ है हमने, तो अगर इसी तरीके से इस पे टेंजेंट डालें और इसको आगे बढ़ाएं, क्या जाने इस पे टेंजेंट डालें और इसको आगे बढ़ाएं और कोई नया पॉइंट पी मिल जाए, तो वहां पे यहाँ पी लिया तो यहाँ मान लो कोई पॉइंट आर मिल जाए हमको और उसका कोऑर्डिनेट हमको जानना है, तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ आगे ना जा करके। अगर इस पे टेंजेंट डाली गई है जो इस पॉइंट पे, इसको आगे ले जाए, ठीक है, ठीक है। और इस पॉइंट R का कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूं कि R का कोऑर्डिनेट x1 y1 है ना, जैसे पीछे था पी एच का मार्क था, ये Q और R के कोऑर्डिनेट पता थे, तो ऐसे अगर मैं इस R के कोऑर्डिनेट को x1 y1 लिख लूं, इसकी वैल्यू क्या होगी वो मैं लिख दे रहा हूं यहीं पे, ठीक है। तो वो एक ऑर्डर कॉन्टैक्ट नहीं हो गया एक तरीके से? बिल्कुल 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 वही चीज है, उस सेम चीज वही है, ठीक है। तो जो x1 की वैल्यू होती है वो होती है आपकी a cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू डिवाइड बाई cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू, है ना। अगर यहाँ पे वन करना चाहो तुम तो इसको नीचे ले जाना पड़ेगा ना इसके, yes, तो x x1 अपन a स्क्वायर बन जाता था आपका, तो a को a स्क्वायर में करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपन cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू बन जाएगा। और y1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, b साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपन cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू हो जाएगी। ओके, समझ में नहीं आ रहा, देखो इस इक्वेशन को x x1 अपान a स्क्वायर प्लस y y1 अपान b स्क्वायर इक्वल टू वन के फॉर्म में लिखो इसको। यस सर, अच्छा कंपेयर करेंगे। हाँ हाँ, इसको कैसे लिखोगे इस फॉर्म में, इस पूरे टर्म से डिवाइड करो पूरे को, हो जाएगा। Yes, sir. और इस वाले टर्म को क्या करो आप, इसको मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर a और नीचे a से, तो नीचे a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। Yes, sir. x a स्क्वायर के टर्म को निकाल दो, जितना बचेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे a कर दे, यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा और ये टर्म पूरा नीचे आ जाएगा, तो a cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपन cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x1 हो जाएगा। ओके, इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट पॉइंट p अल्फा एंड q अल्फा, ठीक है। ओके, छोटा सा नोट है उसको नोट कर लेते हैं, और इसका नाम क्या है हमारे पास में, इसको बोलते हैं कॉन साइक्लिक पॉइंट ऑन एलिप्स, क्या बोलते हैं इसको, कॉन साइक्लिक पॉइंट ऑन एलिप्स, नोट में लिखना है। हाँ,
concyclic points on ellipse. ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी इलिप्स की? अच्छा, तो सिचुएशन क्या होती है कि लेट, देखो बताते हैं क्या है कि लेट सर्किल, कोई सर्किल ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो कट्स द एलिप्स. अभी तक हमने क्या देखा था? इंटरसेक्शन ऑफ लाइन देखा था एलिप्स के साथ में, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन पैराबोला के साथ में देखा था. ठीक है, पीछे पैराबोला और सर्किल का इंटरसेक्शन देखा था. ये एक तरीके से इंटरसेक्शन ऑफ क्या बोलते हैं, सर्किल एंड एलिप्स है. ठीक है, अब किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसी पॉइंट की बात हो रही है. तो लेट सर्किल इज दिस, कट्स द एलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन इन फोर पॉइंट्स. इन फोर पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस. ठीक है, पी क्यू आर एंड एस. अच्छा, तो अब हमको पता है कि जो आपका एलिप्स या सर्किल होता है, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू जो होती है हमारे पास में एलिप्स के लिए, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू बी साइन थीटा होता है. ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर हमने मान लिया, देखो ये इसका डायग्राम बना के देखते हैं कि कह क्या रहा है, एक्चुअली पॉइंट क्या बनेगा, ये डायग्राम बना लेते हैं. इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पी ए कॉस थीटा बी साइन थीटा ये एलिप्स पे था और ये आपके सर्किल पे भी होगा, है ना? Yes. तो अब इसके इक्वेशन को सर्किल वाले इक्वेशन में पुट अप करके सॉल्व कर दें. इसको फाइनली सॉल्व करते हैं जब, तो सॉल्व करने के बाद में जो इक्वेशन बनता है उसके जो रूट्स आते हैं उसको सॉल्व करने पर वहां पे आपको चार रूट्स मिलते हैं. ठीक है, पी ए कॉस थीटा बी साइन थीटा इस इक्वेशन में पुट अप करके सॉल्व करके निकालते हैं, चार रूट्स मिलते हैं. और जो चार रूट्स आते हैं वो इसके एंगल हो जाते हैं, किसके, पी के क्यू के आर के और एस के एंगल हो जाते हैं. ठीक है, तो लेट जो एंगल की वैल्यू आएगी पी के लिए हमने मान लिया कि अल्फा आ जाए, क्यू के लिए बीटा आ जाए, आर के लिए गामा आ जाए, इसके लिए डेल्टा आ जाए. ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट अप करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ये. ठीक है, हेलो, उसको फर्ज हम उसके फोर रूट्स मिलेंगे आपको. ठीक है, तो जो रूट्स मिलते हैं वो 10 अल्फा बाई 2, 10 बीटा बाई 2, 10 गामा बाई 2 एंड 10 डेल्टा बाई 2 इसके रूट्स मिलते हैं. तो हमने यहाँ पे मान लें कि अल्फा बीटा गामा क्या है, इसेंट्रिक एंगल हो जाएंगे. जो रूट्स थीटा की वैल्यू आएगी ना, जो थीटा की वैल्यू आएगी वो चार वैल्यू जाएंगी. कौन सी वैल्यू आएगी? चार वैल्यू जाएंगी थीटा की. अल्फा मान लिया, बीटा मान लिया, गामा मान लिया और उनको डेल्टा मान लिया हमने. ठीक है, तो क्योंकि चार वैल्यूज आएंगी थीटा की वैल्यू, थीटा, हाँ थीटा है ना इस इक्वेशन में. यस, थीटा की चार वैल्यूज मिलेंगी इसमें सॉल्व करने पर. उसको हमने अल्फा बीटा गामा डेल्टा मान लिया, मतलब पी का इसेंट्रिक एंगल अल्फा, क्यू के लिए बीटा, इसके लिए गामा, इसके लिए डेल्टा मान लिया. तो ये इसेंट्रिक होंगे कि नहीं, यानी कौन साइक्लिक पॉइंट होंगे, नहीं यानी पी क्यू आर एस ऐसे ही होंगे कि नहीं, इसके लिए जो कंडीशन है वही इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर लेते हैं. इसके लिए कंडीशन ये है कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की जो वैल्यू आएगी वो आपका 2n पाई बने. क्या बने? 2n पाई बने. ठीक है, तब तो ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या होंगे, कौन साइक्लिक होंगी, अदरवाइज ये कौन साइक्लिक पॉइंट नहीं होंगी और आपका सर्किल इसको फोर पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है, समझ में आ गया? तो एग्जाम में क्वेश्चन जो दिया जाएगा आपको, क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि ए सर्किल इंटरसेक्ट एन एलिप्स होज कॉन्सेंट्रिक एंगल इज दिस 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 डिग्री दे दिया जाएगा आपको. ठीक है, ठीक है, अब आपको प्रूव करना पड़ेगा या फाइंड करना पड़ेगा कि इसको ये इंटरसेक्ट कर रहा चार पॉइंट पे कि नहीं कर रहा है. तो आप इस कंडीशन को लगा सकते हैं कि चारों ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं.
ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका एलिप्स क्वेश्चन एक्स स्क्वायर टू जो वाई है, तो एलिप्स में देखें तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है, टू दी हुई है, और बी स्क्वायर की वैल्यू वन दी हुई है, ठीक है। लेट पी एच कामा के, देन इक्वेशन आप क्या होता था, एच एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस वाई के अपान बी स्क्वायर इक्वल टू वन होता था। अपने कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, एक्स हो जाएगा बाई टू हो जाएगा प्लस वाई बाई वन, ना वाई के इक्वल टू वन हो जाएगा, ठीक है। तो एच एक्स बाई टू वाई के इक्वल टू वन, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। Now given, क्या दिया है, given equation is q r equal to x plus 3y equal to 1, x plus 3y equal to 1, इसको ऐसे लिखते हैं, x plus, now ये दोनों equation सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही है ना, ठीक है। Yes, टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सिंस इक्वेशन वन एंड टू आर आइडेंटिकल, और जब आइडेंटिकल इक्वेशन मिलता है तो हम क्या करते हैं, उनके कोफिशियंट को कंपेयर कर लेते हैं। कोफिशियंट, एक्स का कोफिशियंट क्या है, एच बाई टू, एक्स का कोफिशियंट क्या है, वन यहाँ पे है, यहाँ पे इसका कोफिशियंट k, यहाँ पे इसका कोफिशियंट 3 है, यहाँ पे 1 by 1 है। ऊपर लिखी है इक्वेशन, जो हम लोगों ने ऊपर लिखी थी वो टेंजेंट की हुई। हाँ, टेंजेंट की इक्वेशन है ये। अच्छा, QR जो हो गई वो कॉमन, वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गई, बट क्योंकि उनकी इक्वेशन सेम होती है। और हमको पता है जो कॉर्ड का इक्वेशन होता है वही टेंजेंट का इक्वेशन होता है। तो सर इसलिए हमने कंपेयर कर लिया। ठीक है, यस सर, समझ आ गया ना। यस, तो ये कंपेयर हो जाएगा, तो एच की वैल्यू क्या मिल जाएगी, टू, और के की थ्री। एच की वैल्यू टू मिल गई और के की वैल्यू थ्री मिल गई, इट मींस जो पी का कोऑर्डिनेट हो गया टू कामा थ्री हो गया। अब इसका अगर हमने डायग्राम बना के समझा होता देखो, बहुत इजीली समझ में आ गया होता हमको। ये एलिप्स है हमारे पास में, है ना। Yes, और क्या दिया हुआ है, फ्रॉम पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी दिया हुआ है, पी क्यू एंड आर पी आर ड्रॉन, क्या क्या ड्रा किया गया, पी क्यू एंड आर पी आर ड्रॉन, ना ये पी क्यू एंड आर पी आर ड्रॉन। और क्या दिया है, क्यू आर की इक्वेशन दी हुई, क्वाड की इक्वेशन दी गई है हमको, ये पी हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, और इसी का कोऑर्डिनेट हमसे पूछा गया था, है ना, और इसी का इक्वेशन दिया हुआ है हमको। हेलो, हेलो, हाँ बेटा, हेलो, आवाज आ रही ना, हेलो, ये QR का इक्वेशन है जो कि टेंजेंट का ही इक्वेशन होता है, और ये क्यू आर का इक्वेशन दिया, तो सेम इक्वेशन दिया हुआ सेम चीज के लिए, इसलिए हमने इसको कोफिशिएंट कंपेयर कर लिए। यस, ठीक, एक बार दोबारा देखते हैं इसको। जैसे क्वेश्चन दिया है इसको करना, तो सबसे पहले क्या मान लें कि ये लाइन दी हुई है, इस लाइन पे कोई कॉमन पॉइंट, कोई जनरल पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखना हो तो एनी पॉइंट ऑन लाइन, एनी पॉइंट ऑन लाइन x माइनस वाई प्लस फाइव, माइनस फाइव है ना, माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, माइनस फाइव इक्वल टू जीरो क्या होगा, इसमें सपोज कर लो कि x इक्वल टू t है तो y की वैल्यू उसके टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या, एनी पॉइंट ऑन लाइन विल बी, x इक्वल टू t लिख लिया मैंने, तो x इक्वल टू t लिख लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका t माइनस फाइव उधर जाके, तो t माइनस फाइव बन जाएगा ये y की वैल्यू, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू किसी भी पॉइंट का t है तो इसके y कोऑर्डिनेट t माइनस फाइव हो जाएगा, है ना। ये इस लाइन पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये होगा, ठीक है। इफ x इक्वल टू t, तो x इक्वल टू t पुट अप कर दोगे तो y इक्वल टू t माइनस फाइव मिल जाएगा हमको, ठीक है। सर हमने x को
टी डाला तो वाई वो अच्छा ओ ये इस पे कोई पॉइंट हो सकता yes, है sir. किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा इसी फॉर्म का होगा ठीक है नाउ yes, अब अगर ये पॉइंट इस लाइन पे है तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का इक्वेशन क्या होगा फॉर द गिवन एलिप्स तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ठीक है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आ पॉइंट का नाम है टी कामा टी माइनस फाइव विद रिस्पेक्ट टू कर्व कर्व क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स एक्स वन बन जाएगा जब भी कभी पुट अप करते थे तो एक्स एक्स वन हो जाएगा एक्स वन की वैल्यू टी दी हुई है ये टी एक्स हो जाएगा अब प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू वाई वाई वन हो जाता है तो फोर रह जाएगा वाई की वैल्यू उस फॉर्म में नहीं लिखी है सर जो हमारी जनरल फॉर्म होती है क्यों लिखेंगे उस फॉर्म में वाई वाई और इक्वल टू फोर हो जाएगा ये इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर ले ओपन कर ले ओपन करके लिखे तो इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं इसको टी कॉमन ले लेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ट्वेंटी वाई माइनस फोर प्लस टी एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो कि ये देखो लाइन दिख रही है हमको ये 20y माइनस 4y लाइन है ये x प्लस 4y लाइन है ये l1 दिख रही है l2 दिख रही है ना yes, इसको हम लैम्डा मान सकते हैं है ना यस सर तो है ना तो इसका मतलब दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इक्वेशन इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ लाइन्स लाइन्स वेयर ईच मेंबर विल पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ एल वन एंड एल टू ठीक है रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ लाइन वेयर ईच मेंबर will pass through the intersection of minus 20y minus 4 equal to 0 and x plus 4y equal to 0 that is अब इसको सॉल्व कर ले तो इधर जाके प्लस हो जाएगा y equal to वन बाई ट्वेंटी तो माइनस वन बाई फाइव हो जाएगा और वाई की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दो तो एक्स की वैल्यू भी निकल जाएगी तो दैट इज पॉइंट हो जाएगा फोर बाई फाइव एंड माइनस वन बाई फाइव इज योर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होता है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई होता है एनी पॉइंट any point on directrix वो क्या हो जाएगा a by e कामा k कोई वैल्यू हो सकती है जीरो हो सकती है वन टू थ्री कुछ भी हो सकती है ठीक है ये है yes. तो अब इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखते हैं क्या इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट फॉर a by e comma k with respect to ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 वो कितना हो जाएगा x x1 तो वैल्यू हो जाएगी a by e x upon a square plus y y1
तो के वाई हो जाएगा अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन हो जाएगा इक्वेशन नंबर वन. ठीक है ना. यू नो दैट फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ए ई कामा जीरो होता है ना. Yes, sir. अब ये इस लाइन पे लाई करता है कि नहीं करता है वो चेक कर लेंगे, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. सो पुटिंग दिस ए बाई ई इंटू ए ई अपॉन ए स्क्वायर प्लस क्या है के इंटू जीरो अपॉन बी स्क्वायर. एनएचएस चेक कर रहा हूँ लाइन का मैं, ये जीरो हो जाएगा, ई ई कट जाएगा, ये भी वन हो जाएगा इक्वल टू RHS. Yes. So, since this point satisfy the line, hence focus lie on the chord of contact. ठीक है? With respect to अगर directrix के किसी point पे chord of contact बनाया जाएगा, तो उस पे focus lie करेगा. तो फिर सर हम ये भी बोल सकते हैं कि chord of contact passes through the focus. बिल्कुल. अगर directrix से किसी का chord of contact बनाया जाए, let's say here is directrix, ठीक है, directrix के किसी points, किसी भी point से अगर chord of contact draw की जाए किसी भी point से, yes sir, मैं गलत बना रहा हूँ, ये जो लाइन होगी आपकी, ये जो लाइन होगी ये फोकस से पास करेगी. यस ये फोकस से पास करेगी. ठीक है. यस ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये पाई बाई फोर मतलब 45 डिग्री दिया हुआ है, ये 5 पाई बाई फोर दिया हुआ है. यस इसे मैं कर रही हूँ, इसे मैं कर. हाँ ठीक है. ये क्वेश्चन दिया हुआ है p इक्वल टू 4 पाई पाई बाई फोर एंड q 5 पाई बाई फोर दिया हुआ है ना. यस सर. ना मतलब पाई प्लस पाई बाई फोर दिया हुआ है ये, है ना. पाई प्लस पाई बाई फोर. यस सर. ओके. तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, A cos थीटा और B sin थीटा होता है. Yes. A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 4 है, तो 4 cos pi by 4 वैल्यू 1 by root 2 होता है. तो 5 by root 2, 4 by root 2 P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे. Q का कोऑर्डिनेट निकाले जाएंगे तो यहाँ पे भी A cos थीटा B sin थीटा लगाएंगे. Yes. तो आपका हो जाएगा 5 cos 5 pi by 4 मतलब pi plus pi by 4 और कास और साइन दोनों क्या होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं. यस सर. ये वैल्यू माइनस हो जाएंगी. अब अगर ध्यान से देखें इस चीज को हम, देखो ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, इक्वल डिस्टेंस पे है. इसका मतलब क्या हुआ कि एक कोई पॉइंट है मिडिल पॉइंट इनका जो है वो जीरो कामा जीरो है. क्या है इनका मिड पॉइंट? जीरो कामा जीरो है. और हमको पता है कि जीरो कामा जीरो से जो भी लाइन पास करती है उसका इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू जीरो y इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू y हो जाती है वो, है ना. Yes, sir. x इक्वल टू y क्योंकि x इक्वल टू जीरो y इक्वल टू जीरो दोनों पास करें तो x इक्वल टू y इसका इक्वेशन हो जाता है. तो ये हमने निकाल लिया बिना इसको सॉल्व किए हुए. ओके. यस सर. नाउ अब हम सॉल्व करते हैं. तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड फॉर p पाई बाई फोर एंड क्यू फाइव पाई बाई फोर मीन्स अल्फा इक्वल टू पाई बाई फोर एंड बीटा इक्वल टू फाइव पाई बाई फोर इज क्या होता था हमारे पास, जो हमने पीछे फार्मूला देखा था. फार्मूले में हमने देखा था इक्वेशन जो होता था वो एक्स बाई ए कॉस थीटा होता था हमारे पास में ना. अल्फा प्लस बीटा बाई टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई टू.
तो जोड़ेंगे तो 6π/4 अब बाई 2 नीचे और हो जाएगा, एक लाइन में सिंपलीफाई कर ले इसको तो 3π/4 हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस y/b यानी 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 3π/4 ये आपका 3π/4 हो जाएगा, इक्वल टू होता था कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो ये आपका 4 सेम हो जाएगा, पाई माइनस 4 एंड पाई बाई 2 आ जाएगा। अब पाई कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0 की 0 है। तो अब इसको सिंपलीफाई करके लिखना चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज ये x by 5 हो गया, अब cos की वैल्यू जो 3 पाई बाई 4 की माइनस 1 है रूट 2 1 बाई रूट 2 सर cos क्योंकि सर 135 ठीक है कोई बात नहीं, माइनस 1 बाई 2 y by 4 सर इसमें प्लस 1 by root 2 नहीं कोई बात नहीं। तो क्या मिला हमको यहाँ पे, हमको मिला x by 5 equal to y by 4 यानी 4x minus 5y equal to 0, ये लाइन भी हमारी 0-0 से पास कर रही है, तो कोई भी लाइन x equal to y या 4x equal to 5y या something kx equal to ky या kx equal to my मिलेगी, वो सारी लाइन कहाँ से पास कर रही है? 0-0 से पास कर रही है, है ना? इस टाइप की इक्वेशन हमारी ये मिल गई। यहाँ से हमको सिंपली क्या मिल जा रहा है, का आइडिया मिल जा रहा था कि x इक्वल टू y हमारे पास इक्वेशन है, इस टाइप का इक्वेशन बनेगा। अब एग्जाम में वो x इक्वल टू y देते तो गलत हो जाता अगर मैं स्टूडेंट होता तो। यस सर, मतलब जैसे आपने जो पॉइंट्स निकाले PQ वाले सर, अगर हम उससे निकालते तो सर शायद यही सॉल्व करके आए। हाँ, अगर PQ से पास होने लाइन का इक्वेशन निकालेंगे तो शायद यही मिलेगा आपको। यस सर, ठीक है, क्योंकि जैसे वहाँ पे स्लोप पुट अप करोगे तो y2 माइनस y1 करोगे ना वहाँ पे, अपॉन x2 माइनस x1 तो वहाँ पे आपको माइनस 1 मिल जाएगा सिंपली तुरंत। यस सर, ये वैल्यू भी आ जाएगी क्योंकि वहाँ तो 0-0 ही है आपके पास पे। ये इक्वेशन यही आएगा, अगर यहाँ दोनों पॉइंट के क्वाड्रेट मिल गए थे तो हमको 0-0 से करने बजाय हमको इन दोनों पॉइंट से इक्वेशन निकालना चाहिए था, है ना? क्योंकि 0-0 से इस दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन निकाल सकते थे। एनीवे, तो हमारा इक्वेशन 4x - 5y = 0 किसका हो गया? इस क्वाड का इक्वेशन हो गया जिसके एसिमेट्रिक पॉइंट क्या है, 4x - 5y है, ठीक है। x इक्वल टू y इसका इक्वेशन हो भी नहीं सकता था क्योंकि x की वैल्यू अगर ये पुट अप करोगे आप तो y की ये वैल्यू नहीं आएगी, यही इक्वेशन होगा आपका, ठीक है? यस सर। अब वैसे भी इसको हमने मेथड से निकाला हुआ है, क्लियर? यस सर। और ये इस पॉइंट को, इस दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई भी कर रहा है। yes, x की वैल्यू पुट अप करें तो y निकल जाएगा, x इक्वल टू y इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। यस ओके, उससे सिर्फ हमको इतनी आइडिया मिल सकती थी कि 0-0 से पास कर रहा है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमने डायग्राम बना लिया, हमें इस पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट था एच कामा के, इसका हमें लोकस फाइंड आउट करना है एच कामा के टर्म में, और हमको जो दिया है वो अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ, क्या दिया हुआ? डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा, मॉड ले रहे हैं क्योंकि हमको पता नहीं कि अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है अभी, ठीक है। तो ये हमको दिया हुआ है 2π/3 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, जब ये सिचुएशन होती है तो हमको पता है कि h और k का जो कोऑर्डिनेट होता था वो हम कैसे लिखते थे, तो अल्फा प्लस बीटा ले लिया और हमने इलिप्स का इक्वेशन ले लिया कि ये x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए हम बात कर रहे हैं, है ना? yes. तो हमको पता है कि h की जो वैल्यू लिखते थे हम क्या लिखते थे, हम a लिखते थे, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लिखते थे, अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 लिखते थे, ठीक है? yes, लिखते थे ना। अब देखो cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 2π/3 दिया हुआ है, है ना? yes, तो 2π/3 तो 2 टू कैंसिल हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। अब बच्चे का पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री की वैल्यू 1/2 होती है, ये हो जाएगा 2a
कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, यहाँ पे टू पाई बाई थ्री पुट अप करेंगे, इसकी वैल्यू तो वन बाई टू हो जाएगी, टू ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से के इक्वल टू लिखते थे बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे तो यही आ जाएगा, टू बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू। अब देखो हमें साइन थीटा कॉस थीटा मिल गया यहाँ पे, तो यहाँ से इसको एच अपॉन टू ये लिख सकते हैं, एच अपॉन टू भी लिख सकते हैं, और दोनों साइड को स्क्वायर करके ऐड कर दे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। यस सर, दिस कैन बी रिटन एज एच बाई टू ए इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये लिख सकते हैं के बाई टू भी इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये इक्वेशन वन कहते हैं, इसको इक्वेशन टू कर दे तो वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा, ये अपॉन ये एच स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर मिल जाएगा प्लस के स्क्वायर अपॉन फोर बी स्क्वायर मिल जाएगा इक्वल टू वन मिल जाएगा। एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू फोर आपका तो हमें दिया हुआ है इलिप्स दिया हुआ है और दिया हुआ पॉइंट कोई पी, लेट्स ये पॉइंट पी है 3, 2, तो पी से पॉइंट एच कामा के मान के करते थे क्वाड का इक्वेशन, दिस इज क्यू एंड आर, तो क्यू आर का इक्वेशन क्या आएगा हमारे पास में, ये होता था एक्स एक्स वन अपान ए स्क्वायर वाई वाई वन अपान बी स्क्वायर इक्वल टू वन, या यहाँ पे एक्स एक्स की जगह पे हम 3x लिख दें इसको 3x, 4yy की जगह पे yy1 कर दे तो 8y इक्वल टू 9, ये QR का इक्वेशन हो गया, किसका हो जाएगा QR का इक्वेशन हो गया। लेट मिडिल पॉइंट ऑफ QR इज एच कामा के, तो अगर किसी क्वाड का मिडिल पॉइंट एच कामा के होता है तो उसका इक्वेशन टी इक्वल टू एस वन होता है, टी इक्वल टू एस वन के टर्म में पुट अप करें, इसी इलिप्स के लिए लिख रहे हैं तो ये एच एक्स हो जाएगा प्लस फोर के वाई हो जाएगा माइनस नाइन, ये हमारा टी हो जाएगा, एस वन कितना हो जाएगा ये एच स्क्वायर प्लस फोर के स्क्वायर माइनस नाइन हो जाएगा, ठीक है, नाइन नाइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा एच एक्स प्लस फोर के वाई इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू। सिंस इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू बोथ रिप्रेजेंट क्यू आर मीन्स आइडेंटिकल इक्वेशन, देयर फोर वन एंड टू represents QR only, so therefore comparing their coefficients and same equation represent कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा h by 3 4 k by 8 4 k by 8 and h square plus k square by 9, है ना। यहाँ पे 4 k square नहीं होगा उधर, कहाँ पे से h square plus 4 k square, 4 के क्यों होगा बेटा, ये x x होता है, x x1 y y1 होता है, नहीं सर इधर, नहीं सर इधर राइट हैंड साइड पे, हां ये राइट हैंड पे 4 के रहेगा, राइट हैंड पे 4 के रहेगा ये, ठीक है। अब यहां से इसको सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी h और k की वैल्यू निकाल सकते हैं, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलेगा, तो इसको सॉल्व करें तो ये बाई 2 हो जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा 2h इक्वल टू 3k मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 2h इक्वल टू 3k, इक्वेशन नंबर 3 2h इक्वल टू 3k या h इक्वल टू 3 बाई 2k। अब इनमें से किसी एक की वैल्यू जो है चाहे h की चाहे k की इसमें पुट अप कर दे
और इन दोनों इक्वेशन को लेकर सॉल्व करके एच और के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सपोज कि मैं करना चाहता हूं कि मैं इसी इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूं, एच के साथ में सॉल्व करना चाहता हूं, तो के की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 2h/3 रखना पड़ेगा ना। यस सर। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। h/3 = h² + 4, k की जगह पे क्या रखना है, 2h/3 ना, स्क्वायर बाय 9, 9 इधर ले आओ और 3 से काट दो इसको, तो 3h बचेगा यहाँ पे, यहाँ h² हो जाएगा प्लस 4h² हो जाएगा, ये h² + 4h² ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो नीचे भी तो 3 का स्क्वायर होके 9 आएगा उधर, तो सिर्फ उधर भी अभी 9 फिर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे 9 ना। यस सर। इस सारे को एक साथ में ले आओ, इसमें से h कॉमन लेके h को कैंसिल आउट कर दो यहाँ से, ये 3 हो जाएगा आपके पास में, 4h/9 यहाँ बचेगा h, h कॉमन ले लो पूरे में से, तो 1 + 4/9 बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा ना, तो 27/13 आएगी h। हाँ, यहाँ से h इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 27/25 आता है। सॉल्व कर लेते हैं, 13 है ना, 13 आ रहा है, यहाँ पे कहीं 4 छूट गया, 4 ये ऊपर है ना, 4 है हमारे पास, ठीक है, तो ये 4/9 हो गया, यहाँ पे 3 है हमारे पास में, ठीक है, ओके, 25h² / 9, कहीं कुछ छूटा है, चेक करते दोबारा, 3h² + 4 × 4, कहीं 4 छूट रहा है, एक ये 4 छूट रहा है यहाँ पे देखो, ये 4, ये 16 हो जाएगा, 4 × 4 ना, ओके, ये 16 हो जाएगा, 25 आ जाएगा, यस, तो h इक्वल टू आपका 25/27 हो जाएगा, h इक्वल टू 25/27 हो जाएगा, तो k इक्वल टू हमने पीछे देखा ही था, k इक्वल टू कितना आया था हमारे पास में, 2h/3, 2/3h ना, 25/27 मल्टीप्लाई कर दो इसको, सिंपलीफाई कर लो, ना ना मिस्टेक, गलत लिख दिया मैंने, 27/25 आएगा ये ना। यस सर। बोला ये 18/25 हो जाएगा, तो h का मा k की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 27/25 18/25, ठीक है। यस सर। दूसरा तरीका था इसको सॉल्व करने के लिए कि हमने एक क्वेश्चन निकाल लिया था, ये यहाँ से x की वैल्यू या y वैल्यू निकाल दे और इसीलिए इसमें पुट अप कर देते, उसको सॉल्व करके इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते और उसका हम मिडिल पॉइंट निकाल लेते। वो ज्यादा इजी पड़ता क्या सॉल्विंग के पर्पस से? मुझे नहीं लगता, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था कॉर्ड का हमारे पास में, पॉइंट हमने h का मार्क किया, मिडिल पॉइंट लिख लिया, ये हमने t = s1 से क्वेश्चन लिख लिया, और ये फोकस a0 से पास कर रहा था, सेटिस्फाई करवा दिया इसको यहाँ पुट अप करके, और h के को xy से रिप्लेस कर दिया और ये आपका हो गया, ठीक है। यस सर। इस तरीके से